जिंदगी में पहली बार इसे टच कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था कॉलेज में, तो वहाँ पे जाने वाला हूँ। आप लोगों को भी आज मैं मेरा कॉलेज टूर कराने वाला हूँ, कैसा कॉलेज है। तो चलिए चलते, अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी निकलने वाला हूँ बैग उठाकर, और फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए गाइस, फाइनली मैंने बैग उठा लिया और अब मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर ये है मेरा भांजा एंड दीदी। चलिए चलते हैं, आज कॉलेज में कुछ काम है, आपको कॉलेज का सारा टूर कराऊंगा, किस प्रकार का मेरा कॉलेज है। और चलिए, तो गाइस मैं कॉलेज क्यों जा रहा हूँ, क्या काम है, वो आ गया आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग पर। और अभी मैं हूँ खेतों में चल रहा हूँ, यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता है रोड तक जाने का, और वहाँ पर जाऊँगा, बस में बैठूँगा और फिर इसके बाद निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो कॉलेज जाने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पर। तो गाइस, फिर मैं बैठ चुका था बस के अंदर, और बस के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और गदर हो रही थी, इस चक्कर में मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और वीडियो आप जो देख ही सकते हैं। तो गाइस, अभी 2 मिनट बाद हम पहुंचने वाले हैं हमारे कॉलेज, आप लोगों को दिखाते हैं कॉलेज। तो गाइस, आ चुका है हमारा कॉलेज, कॉलेज। तो गाइस, ये हमारा कॉलेज, और अभी जाने वाले हैं अंदर। अंदर पता नहीं वीडियो शूट कर पाएंगे या नहीं, यहीं से देख लेना अब तो कॉलेज हमारा। तो गाइस, मैं अपने कॉलेज का सारा काम कंप्लीट करने के बाद और मैं आने लगा था अपने घर के लिए। तो अभी कॉलेज से जैसे ही मैं गेट से बाहर आया और देखा तो बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, और दोस्तों मेरा फ़ोन था 2%, क्योंकि रात में लाइट नहीं थी तो फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, फिर मैं डायरेक्ट घर आ गया। तो गाइस, मैं कॉलेज से काम करने के बाद मैं आ चुका था अपने घर, और घर आने के बाद रेडी होकर खाना पीना खा पी कर और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैं आ गया इधर। यहाँ पर हमारे घर से थोड़ी सी दूर अच्छी सी लोकेशन है, मतलब बैठने के लिए छांव वगैरह रहती है, टीन शेड बना हुआ है, तो यहीं पे सारे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं गर्मियों में। तो यहीं पे आया हुआ था, तो वहीं पे मेरे एक दोस्त आए हुए हैं जिन्हें आप जानते होंगे शायद पिछले ब्लॉग में, नीरज भाई। तो वो कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जो कि मैंने अभी लाइफ में पहली बार टच करूँगा उसे, और उससे पहले मैंने कभी उसे नाम सुना है और उससे पहले कभी देखा नहीं है, टच भी नहीं किया। तो आज लाइफ में पहली बार मैं उसे टच करने वाला हूँ, तो चलिए वो क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आइए। तो गाइस, यार नीरज भाई लेकर आए हैं अपना लैपटॉप, जो कि ये है। तो आज मैं इसे चलाकर देखने वाला हूँ दोस्तों, लाइफ में पहली बार मैं लैपटॉप चलाकर देखूंगा। दोस्तों, अपनी औकात तो है नहीं लेने की, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो अपन भी बहुत ही जल्दी लैपटॉप लेने वाले हैं। तो आज बहुत ही खुशी हो रही है इसे टच कर और चलाकर देखते हैं। तो चलिए चलाते हैं। आपने इससे पहले कभी लैपटॉप नहीं चलाया? नहीं चलाया। क्या बात कर रहे हो यार, हमारे लोगों के पास कहाँ होगा। चलो ठीक है, लो चलाओ। तो चलिए दोस्तों, अभी लैपटॉप चलाकर देखने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, आज लैपटॉप चलाकर देखेंगे। तो चलिए भाई। तो दोस्तों देखिए, ये फाइनली नीरज भाई का लैपटॉप, और इसे आज अपन चलाकर देखने वाले हैं और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। देखिए, मैं कभी जिंदगी में पहली बार इसे टच कर रहा हूँ और चलाकर देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी लैपटॉप सिर्फ देखा है, नाम सुना है, पर चलाकर नहीं देखा है। तो आज मैं चलाने वाला हूँ, तो नीरज भाई बताइए इसको किस तरीके से चलाया जाता है। ये पैड है। यस, इस पे उंगलियाँ टच करती हैं अपन, एक उंगली। देखो, पहले इसको सबसे फर्स्ट में रिफ्रेश करो, ये रिफ्रेश दिख रहा है आपको, इस पे उंगली घुमाते हैं, कहीं भी घुमा सकते हो आप, कोई सी फाइल खोल सकते हो आप। तो गाइस, फाइनली मैं बजा चुका हूँ, मैंने चला लिया है लैपटॉप और बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, यार बहुत ही मजा आ गया है पहली बार लैपटॉप चलाकर। तो गाइस, यार मैं लैपटॉप चलाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने लैपटॉप चलाया है अपने हाथों में। और वो मेरा भाई जो दोस्त आया था अपना लैपटॉप लेके, वो घर जा चुके हैं और मैं भी अपने घर आ चुका हूँ, ये मेरा घर है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।